साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश लेना है। तो आज के इस वीडियोज में किस प्रकार से अवकाश लेना है, अवकाश का स्वीकृति कराना है, किस प्रकार से ज्वाइनिंग करना है, इसके बारे में लाइव आज मैं आपको आवेदन लेके भी बताऊंगा और साथ में किस प्रकार से स्वीकृत करेंगे इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो शिक्षकों को ऑनलाइन अवकाश लेने के लिए सबसे पहले cgschool.in को इस प्रकार से विजिट करना है और उसके बाद में HRMIS लीव मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको cgschool.in का ID को और पासवर्ड को एंटर कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आप ऑनलाइन अवकाश लेने के लिए होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको वर्ष भर में कितना अवकाश मिलता है इसके बारे में पूरा डिटेल से दिखाया जाता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले ये जो तीन लकीर का निशान दिखता है वहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। उससे पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपको कितना कितना अवकाश मिल रहा है। उसके बाद आपको अगले स्टेप में अवकाश हेतु आवेदन करने का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ पर प्लीज़ रीड केयरफुली बिफोर अप्लाइंग, तो यहाँ पर आवेदन करने से पहले इसको बढ़िया समझना है। इसके अनुसार आप लगातार 8 दिन तक या 8 दिन से अधिक छुट्टी एक ही बार में नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के जो अवकाश हैं, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश या और जो अन्य प्रकार के अवकाश हैं उनको आप एक ही साथ में कंबाइन रूप से नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो अवकाश हेतु आवेदन करने के लिए आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद में अवकाश के लिए आवेदन करने का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से अवकाश लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आवेदन का प्रकार को चुनना है। तो यहाँ पर आपको एक ही प्रकार का अवकाश लेना है, तो यहाँ पर इसी को क्लिक करना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में आप किस कारण से अवकाश लेना चाहते हैं उस कारण को यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो यहाँ पर आपका कुछ आवश्यक काम है या फिर आप बीमार हैं या जो भी कारण है उस कारण को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद में आपको अवकाश का जो प्रकार है इसको चयन करना होता है। तो एक शिक्षक को जिस प्रकार से अवकाश मिलता है उसमें से जो भी यूज होता है उसको लागू कर देना है। यहाँ पर हम आकस्मिक अवकाश लिखेंगे और उसके बाद में आकस्मिक अवकाश में कुल शेष अवकाश का संख्या भी यहाँ पर 13 दिख रहा है। उसके बाद में आपको कब से कब तक अवकाश में जाना है, आप जितना दिन तक जिस तारीख को आप अवकाश में जाना चाहते हैं उसको यहाँ पर भर देना है। तो इस शिक्षा के मामले में यहाँ पर 20 अगस्त 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक ये अवकाश इनका लेना है। तो यहाँ पर हम उस डेट को चयन कर देंगे। इसको चयन करने के बाद में यह जो अवकाश है वो आधे समय का है या फिर पूरे समय का है ये ऑप्शन को दिखाया जाता है। यहाँ पर फुली डे इसको चयन कर देंगे। इसको चयन करने के बाद में यहाँ पर जो तारांकित चिन्ह होता है उस पर आपको भरना या फिर इसको फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हाँ आपको चयन कर देना है। उसके बाद में अवकाश की अवधि के दौरान अगर आप संस्था प्रमुख हैं तो उस कंडीशन में प्रभारी कौन होंगे उसका जानकारी को भरना होता है। और उसके बाद में अवकाश अवधि के दौरान आपका जो पता है उस पता को यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद में अवकाश संबंधित फाइल जो है आपका जो CL एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो अवकाश को अपलोड करने के लिए यहाँ पर अवकाश संबंधित फाइल का ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में आप अपना अवकाश को PDF में या फिर JPG में यहाँ पर सेव कर लेंगे। उसके बाद में CL PDF इस प्रकार का कोई पेज होगा आपका, उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से कुल अवकाश अवधि के संबंध में आपका पूरा जानकारी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का अवकाश है, आवश्यक काम है या जो भी काम है इसके संबंध में दिखाया जाता है। और उसके बाद में अगले स्टेप में आपको एडिट और फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाया जाता है, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में अवकाश के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, आपका आवेदन क्रमांक कितना है इस प्रकार का ऑप्शन मैसेज आ जाता है। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर PDF के रूप में इसको सेव कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद में आपका यहाँ पर आवेदन करने का अवकाश लेने का प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आपके संस्था के जो संस्था प्रमुख हैं उनका cgschool.in का यूजर ID और पासवर्ड के साथ में इसको वेरीफाई करना होता है, सत्यापित करना होता है, स्वीकृत करना होता है। तो उससे पहले आपका जो जानकारी है उसको आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधान पाठक के लिए कार्रवाई करने हेतु लंबित है। तो यहाँ पर आवेदन पूर्ण होने के बाद में आपके संस्था के जो संस्था प्रमुख हैं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद में आपका जो आवेदन है उसको स्वीकृत करना होता है। तो उससे पहले आपके द्वारा जो भी जानकारी फिल किया गया है, आपके द्वारा जो भी आवेदन को यहाँ पर सबमिट किया गया है, अपलोड किया गया है, उसको अच्छे से चेक कर लेना है।
अगले स्टेप में यहाँ पर संस्था प्रमुख के द्वारा लॉगिन करना है, और उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सबसे आखिरी ऑप्शन के रूप में कार्यवाही करने का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर कार्यवाही करने के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आवेदन पर कार्यवाही करें इस प्रकार का ऑप्शन आता है। उसके बाद आवेदन निरस्त करना, ज्वाइन अनुरोध कर का कार्यवाही इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको आवेदन स्वीकृत करने का ऑप्शन दिखाया जाता है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कार्यवाही करने का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद में संस्था से जितने भी कर्मचारी या शिक्षक आवेदन किए होंगे उसका पूरा जानकारी को दिखाया जाता है। यहाँ पर संस्था प्रमुख के द्वारा अच्छे से सारा चीज़ को जांच कर लेना है, और उसके बाद में पहले ट्रैक करने का ऑप्शन को देख लेना है। यहाँ पर कार्यवाही है तो लंबित है, इसको देखने के बाद में जो संस्था प्रमुख हैं आपका आवेदन को यहाँ पर कार्यवाही का जो ऑप्शन यहाँ पर स्वीकृत और अस्वीकृति का ऑप्शन आता है, यहाँ पर वो चाहें तो यहाँ पर स्वीकृत कर सकते हैं। तो इस मामले में इस कर्मचारी का जो अवकाश है तो आवेदन उसको यहाँ पर स्वीकृत पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में फिर से एक पुष्टि करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी हाँ स्वीकृत करने का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में जो अवकाश है उसको स्वीकृत कर लिया गया है, इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। इसके साथ ही साथ मोबाइल फोन में आपका कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाता है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ट्रैक किया जाता है तो प्रधान पाठक के द्वारा आपका अवकाश संबंधी जो आवेदन है उसको स्वीकृत कर लिया गया है, अप्रूव कर लिया गया है, इस प्रकार का मैसेज। इसी प्रकार से अवकाश लेने के बाद पुनः ज्वाइनिंग करने के लिए इसी प्रकार का प्रोसेस को पूरा करना है, और संस्था प्रमुख के द्वारा भी ज्वाइनिंग करने का अनुरोध को स्वीकार करना है, स्वीकृत करना है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय शिक्षकों को ऑनलाइन तरीके से अवकाश लेना है और संस्था प्रमुखों के द्वारा अवकाश को स्वीकृत करना है। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।